मनकहरी धान खरीदी केंद्र बंद हो जाने से किसान सड़क पर उतर आए। जहां धान बिक्री हो रही थी वहां सांसद ट्रैफिक मैच होने वाला है, जो किसान की खरीदी बंद कर दी गई। जहां दर्जनों ग्राम पंचायत के किसान अपनी धान बिक्री के लिए सैकड़ों किसान की धान सड़ रही है। बेमौसम बारिश से जिससे नाराज किसान SDMO को सौंपा ज्ञापन और सांसद पर भी नाराजगी जाहिर की। मामला रामपुर बघेलान के मनकहरी समिति का है, जहां दर्जनों गांव के किसान आक्रोशित में तहसील कार्यालय पहुंच गए और किसानों का कहना है कि जिस जगह खरीदी केंद्र किसानों की धान खरीदी जाती है वहां सांसद ट्रॉफी मैच कराने के लिए जगह खाली कराई जा रही है और किसानों की धान बरसात में चल रही है। समिति प्रबंधक द्वारा बोला गया किसानों की धान अब नहीं खरीदी जाएगी, यहाँ पर सांसद ट्रॉफी मैच होना है। इसी का विरोध करते हुए किसानों का आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आया और सतना सांसद पर भी आक्रोश जताते हुए कहा कि पहले किसान जरूरी है फिर सांसद ट्रॉफी। जिस जगह पर किसानों की धान खरीदी की जा रही है वहां पर सांसद ट्रॉफी मैच रोक दिया जाए और किसानों की फसल खरीदी की जाए, जिससे सैकड़ों किसान अभी भी अपनी धान बिक्री नहीं कर पाए। मामले को लेकर अभी आपने ज्ञापन पत्र, आज हम लोग किसानों के मामलों को लेकर के माननीय SDM साहब से मिलने के लिए आए थे। ज्ञापन दिया हम लोगों ने, क्योंकि जो हमारे मनकहरी सोसाइटी का खरीदी केंद्र है, सेवा सहकारी समिति मनकहरी का, वो मनकहरी ग्राउंड में है, खेल मैदान में, उसको स्थानांतरित किया जा रहा है सांसद ट्रॉफी के नाम पर। सांसद का दबाव है कि उसको खाली करा करके जो है ना किसानों की धान खरीदी हो या ना हो, लेकिन वहाँ सांसद ट्रॉफी होगी। वहाँ हज़ारों किसान अपनी ट्रालियाँ लेकर के पड़ा हुआ है, उसके विरोध में हम लोग आए थे कि सांसद ट्रॉफी बाद में हो, सांसद ट्रॉफी जरूरी नहीं है, किसानों की उपज, धान की उपज खरीदना जरूरी है। इस बात को लेकर के हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। क्या आश्वासन दिया गया अधिकारियों के द्वारा? माननीय SDM साहब ने कहा कि ना हमने उनको अभी स्थान चेंज करने के लिए बोला है, ना उनको हमने खरीदी बंद करने के लिए बोला है। वो अपनी खरीदी करें और उसी स्थान पर खरीदें, हम लोग जो है ना सांसद ट्रॉफी के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ रहे हैं। जानकारी ये आ रही है कि खरीदी बंद कर दी गई है वहाँ पे? हाँ, खरीदी बंद है वहाँ की ना। क्या कहा गया वहाँ पे? वहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर जो है तो माननीय SDM साहब के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर खरीदी नहीं होगी, तौल नहीं होगी, जो जो यहाँ पर पहले से खरीदी हुई धान है इसको उठा करके गोदाम में भेजो, इसको खाली कराओ, ऐसा किसानों को वहाँ समिति प्रबंधक द्वारा बोला गया है। अभी कितने किसान वहाँ उपस्थित हैं अभी वर्तमान में? अभी कम से कम वहाँ तो 100-200 तो हो गए करेंगे, क्योंकि 50-60 तो हमारे साथ चले आए हैं यहीं। ये त्योंधरा नंबर 2 जो खरीदी केंद्र है, यहाँ किसानों को भारी समस्याएं सामने आ रही हैं, ऐसा मानना है किसानों का, क्या कहना है इस पर आपका? मानना ही नहीं है, मैं तो वहाँ पर 4 तारीख को पहुँचा हूँ, पर कुछ लोग वहाँ से 31 तारीख से पड़े हैं बेला के गुप्ता लोग। मैं भी अपनी 4 टाली लेके 4 तारीख से बैठा हूं और वहां पर जो प्रबंधक है वो आते नहीं है। 5 बजे वो पहुंचते हैं, बोल देते हैं आज खरीदना नहीं है, और वहां पर देखा जाए तो कम से कम 200-300 टाली तो आज खड़ी है और 200-400 टाली तो डंप की हुई है धान है। और यहाँ भी आज आए थे बताने कि क्या करना है, क्योंकि 15 तारीख लास्ट हो रहा है, तो अब किसान क्या करे वहाँ पर। इस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है आपको? आज SDM साहब को इस बारे में जानकारी दी गई है कि वहाँ खरीदी नहीं होती, प्रबंधक नहीं आते, और चूंकि वो जो खरीदी केंद्र होते उधारा के नाम से है और खरीदी हो रही झंड में, तो जो अधिकारी भी पहुँचते होते उधारा पहुँच जाते हैं और झंड का पता ही नहीं चलता कि कहाँ हो रही खरीदी। अब समिति प्रबंधक राज बहादुर सिंह इतने उधारा के कहते हैं कि हैं, वो जाते कभी नहीं है, 5 बजे पहुँचते हो वहाँ पर और ना वहाँ बोरा है ना कुछ है। वो कहते हैं कि हम बोरा ले गए दूसरी जगह, और ये भी बोलते हैं वो कि जो भी शिकायत करेगा मैं उसकी खरीदी नहीं करूंगा। अच्छा, कुछ पैसे लेन देन की भी बात सामने आ रही है? पैसे की लेन देन अब जब इतनी अव्यवस्था हो गई है तो बिना पैसे के तो काम होता नहीं है। अब ये कहते हैं कि पानी पड़ गया यहाँ पर, चट्टा लगवाओ, तौलवाओ, लेबर का दो, नमी हो गई, ट्रक में जा नहीं रहा, माल बोल रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं रामराज सिंह। कहाँ के निवासी हूँ? मैं यहीं झंड का निवासी हूँ। आप किसानों के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है, ये किस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है? ज्ञापन सौंपा गया है जो खरीदी केंद्रों में भारी अनियमितता है, बिना पैसे के लेन देन के किसानों की जो है खरीदी नहीं हो रही है, और सभी खरीदी केंद्रों में जो है किसानों को लूटा जा रहा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकाल में किसानों को बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। अभी पानी गिरा है, प्रशासन की व्यवस्था थी और यूरिया खाद नहीं मिल रही, गोदामों में जो है खादें हैं लेकिन 450 रुपये जो है पर बोरी तक किसानों से जो है खाद ली गई है और किसानों को लूटा जा रहा है। यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जो है तो सिर्फ यहाँ पर जो है मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये ज्ञापन जो है सौंपा गया है और जिसमें 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारे मनकारी के खरीदी केंद्र के भी साथी आए थे वहाँ पर सांसद महोदय जी, ये बड़े जो है दुख की बात है जो है कि सांसद महोदय जिनको सांसद इन किसानों ने बनाया वही इनका रवैया जो है जैसे दिल्ली में नरेंद्र मोदी किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं उसी तरह यहाँ उनके सांसद जो है खुलेआम किसान जो एक महीने से पड़ा है इस ठंड में, भीषण ठंड में पानी गिर दिया है, ठंड पड़ रही है, इसके बाद भी किसानों की खरीदी नहीं हो रही है और मनकहरी जो है खरीदी केंद्र को स्थगित करने की कोशिश की जा रही है, उन सारे विषयों को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वावधान में अमर सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह सभी मनकहरी के सौ के आसपास किसान हैं, हम सारे लोगों मिलकर के ज्ञापन सौंपा है कि आप सांसद को जो है सांसद ट्रॉफी रद्द करिए और वहां पर किसानों का 1150 तो किसानों का पंजीयन है, 40% खरीदी बाकी है अभी भी और वहां अव्यवस्था है। जब मौसम की हालत थी प्रशासन अगर इस पे चौकन्ना रहता तो किसानों की खरीदारी नहीं रुकनी चाहिए, पन्नी की व्यवस्था वहां नमी नहीं होती, गीला नहीं होता ग्राउंड, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से जो है कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, इसलिए उनको कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आज ये ज्ञापन सौंपा गया। अभी आपको एक आंदोलन वो पत्र सौंपा है जिसमें मांग किया है कि उक्त खरीदी केंद्र में सांसद ट्रॉफी होने वाली, जिससे खरीदी केंद्र को रोका गया है और अन्य जगह पर करने का प्रस्ताव चल रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये खरीदी 15 तारीख तक होने वाला है और ये जो सांसद जो ट्रॉफी होने वाली है इसके संबंध में मुझे जिले से जानकारी प्राप्त हुई थी, तो इसके संबंध में मैं वहाँ मौके पर गया था। 15 तारीख तक खरीदी हो रही है तो वहाँ उसे को किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और 15 तारीख तक अवश्य खरीदी जाएगी। यदि सांसद ट्रॉफी अगर आयोजित होती है तो फिर उसके लिए जगह का चयन किया जाएगा, लेकिन 15 कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश भी जारी हुआ है, इसलिए सांसद ट्रॉफी का होना नहीं, तो इसका निर्णय जिला प्रशासन और जो खेल आयोजक हैं जिन लोगों ने किसी प्रकार का भी अनुमति लिया नहीं है, जब अनुमति वगैरह लिए जाएंगे तो फिर देखा जाएगा उसके बाद। अभी कितनी परसेंट खरीदी हो चुकी है वहाँ मनकहरी में? मनकहरी में 1008 पंजीयन थे कृषक, जिसमें से 600 समथिंग का खरीदी हो चुका है, 400 लगभग बचे हैं, कहने का मतलब ये मेरे को समिति प्रबंधक द्वारा ये बताया गया है ये आंकड़ा। सर कई जगह मामला ऐसे जा रहे हैं खरीदी बंद हो चुकी है, किसान परेशान है लगातार। नहीं, मैं इसमें अपने GSO हैं जो कृषि विभाग से संबंधित हैं, इनसे मैंने पूछा था और हमारी जो तहसीलदार नायब तहसीलदार की टीम है ये भी भ्रमण में जा रही है, तो जरूर एक दो जगह ऐसे देखने में आए कि मतलब खरीदी नहीं हुई है, उसका कारण ये है कि बीच में बरसात हो गया था और नमी होने के कारण, लेकिन अभी लगभग सभी जगह चालू हो गया है। अभी दो मुझे संज्ञान में जरूर आया है झंड का और एक का है, तो उसको मैं दिखवाता हूँ कि वो खरीदी नहीं हो रही। सर ये राम